तो सैमसंग ने मिड रेंज स्मार्टफोन में गैलेक्सी M51 कर दिया है 25,000 की रेंज में लॉन्च। साथ में बताएंगे कि एप्पल का पहला फ्लोटिंग स्टोर खुल गया है सिंगापुर में, और भी ढेर सारी टेक न्यूज पर चर्चा करेंगे आज के एपिसोड में। तो देखते वीडियो लास्ट तक। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं द टेक्निकल चार्जर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन गिव अवे के बारे में एक बार याद दिला देते हैं। 5 के सब्सक्राइबर वाला चल रहा है गिव अवे, जिसमें कि Redmi Note 9 के साथ में दूसरे प्राइजेस आप जीत सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है और बस शेयर करना है। बाकी दोस्तों आते हैं अपने पोल सेगमेंट पे। कल मैंने आपसे पूछा था कि किस ब्रांड का UI आपको सबसे बेस्ट लगता है। 47% वोट्स के साथ में सैमसंग वन UI टॉप पर है। दूसरे नंबर पर है Xiaomi का Mi UI, जिसको मिले हैं 41% वोट। और तीसरे नंबर पर है फन टच OS, जिसे मिले हैं 7% वोट। और सबसे लास्ट है Huawei का EMUI, जिसको मिले हैं सिर्फ 4% वोट। आते हैं आज के सवाल पर। आपको बताना है कि जैसे सिंगापुर में एप्पल ने अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोला है, इंडिया में भी अगर ये खुल जाए तो आपको कैसा लगेगा, पोल में बताना दोस्तों, जवाब अपना मत भूलिएगा। तो आते हैं सबसे पहली न्यूज पर। नया मिड रेंज स्मार्टफोन सैमसंग ने गैलेक्सी M51 इंडिया में आज लॉन्च कर दिया है। दो रैम वेरिएंट्स में 6GB के लिए 24,999 रुपए प्राइस है, 8GB वेरिएंट के लिए 26,999 रुपए। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G चिपसेट में मिल रहा है और बैटरी आपको 7000mAh की बड़ी मिल रही है दोस्तों। अगली खबर है Realme 7i, जो कि 17 सितंबर को इंडोनेशिया में लॉन्च होने वाला है। काफी स्पेक्स को लेकर खबर पहले ही आ चुकी है मार्केट में, जैसे कि 5000mAh की बैटरी मिल सकती है, क्वाड कैमरा है, पंच होल डिस्प्ले है। अब कुछ और स्पेसिफिकेशन सामने आ गए हैं, जैसे कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 चिपसेट हमें इसमें मिल सकता है, 8GB की बड़ी रैम मिल सकती है। बाकी तो कंपनियों के ये सारे रूमर चलते ही रहते हैं। एग्जैक्ट देखते हैं 17 सितंबर को क्या निकल के आता है और किस प्राइस रेंज में ये फोन आता है। क्या इंडिया में भी आएगा, आने वाले दिनों में देखते हैं। अगली खबर है Vivo V20 सीरीज को लेकर, जो कि इंडिया में काफी दिनों से चर्चा में बनी हुई है कि अक्टूबर में लॉन्च होने वाली है, लेकिन आज हम बात इंडिया को लेकर नहीं कर रहे हैं। दरअसल कंपनी ने अपने मलेशियन फेसबुक पेज पर एक टीज किया है और पता चल रहा है कि Vivo V20 SE स्मार्टफोन जल्द ही लॉन्च होने वाला है। डेट अभी कन्फर्म नहीं हुई है और साथ में चर्चा यह भी है कि V20 भी इसके साथ में लॉन्च हो सकता है। खबर ये भी पता चल रही है कि इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 चिपसेट मिलेगा और 8GB की मिलेगी बड़ी रैम, यानी कि Realme 7i और ये दोनों स्मार्टफोन लगभग दोस्तों एक दूसरे के जबरदस्त कॉम्पिटिटर बन सकते हैं। बाकी देखते हैं इंडिया में ये फोन अक्टूबर में किस डेट में लॉन्च होता है और मलेशिया को लेके भी क्या डेट सामने आती है। अगली खबर आ रही है Huawei से, जो कि US रिस्ट्रिक्शन झेल रही है। लगातार कंपनी कोशिश कर रही है कि वो अपने पैरों पर स्मार्टफोन मार्केट में खड़ी हो सके, इसीलिए एक नई खबर आई है। CEO जो कंज्यूमर बिजनेस के हैं, उन्होंने अपने कमेंट में बताया है कि अगली साल की शुरुआत में हारमोनी US स्मार्टफोन्स पर मिल सकता है। अभी तक तो हारमोनी US जो Huawei के जो स्मार्ट टीवी है या दूसरे वियरेबल डिवाइसेस है उसमें देखने को मिल रहा था। अगर स्मार्टफोन में आता है तो क्या क्वालिटी होगी, क्या एंड्रॉयड के साथ में जबरदस्त टक्कर ये दे पाएगा, देखने वाली बात होगी दोस्तों। बाकी इंतजार करते हैं कुछ और इसके बारे में डिटेल सामने आने का। अगली खबर आ रही है गूगल फिनांस से, लोगो हो गया है रीडिजाइन और देखने में बड़ा ही दिलचस्प, और वही जो ट्रेडिशनल कलर है गूगल के, उन्हीं के कलर्स के साथ में बना हुआ ये लोगो है। कंपनी ने कहा है कि इस नई रीडिजाइन के साथ में कंपनी बहुत सारा कुछ चेंज करने जा रही है, जिससे कि यूजर जो है उनको स्टॉक को समझना और साथ में ट्रेडिंग को समझना काफी आसान होगा। उसके अलावा वॉच लिस्ट भी मिलेगी, जिसमें कि जो स्टॉक्स में होने वाले बदलाव हैं उनको आसानी से यूजर समझ सकेगा। बाकी अगर आप भी ट्रेडिंग और इस तरह के बिजनेसेस स्टॉक वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं तो एक बार जरूर गूगल स्टॉक को या गूगल फाइनेंस को चेक कर सकते हैं। अगली खबर है उस स्मार्ट वॉच की जो काफी लंबे समय से खबरों में बनी हुई है। मैं बात कर रहा हूं वीवो की स्मार्ट वॉच की। 21 सितंबर को ऑफिशियली लॉन्च होने वाली है। टीजर आ गया है सामने, जिसमें कि कलर ऑप्शन भी हमें दिखाई दे रहे हैं। 4 कलर ऑप्शन तो फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा और भी होंगे तो आने वाले दिनों में अलग अलग पोस्टर्स में हम पता चल जाएंगे। फिलहाल ये पोस्टर तो लीक हो गया है। उसके अलावा आपको बता दें जो पहले से खबरें चल रही मार्केट में कि ये आने वाली स्मार्ट वॉच 2 डिस्प्ले साइजेस में मिलेगी, यानी कि 42mm और 46mm। बाकी देखते हैं और प्राइस क्या रहते हैं इसके, जो खबर चल रही है कि 10,000 की रेंज के अंदर होगी, एग्जैक्ट रहेगी या फिर इससे ज्यादा प्राइस में ये आने वाली है, इंतजार करते हैं।
अगली खबर है, तोशिबा इंडिया में लॉन्च करने जा रही है 18 सितंबर को अपनी स्मार्ट टीवी रेंज। ये पहली कंपनी होगी जो कि अल्टीमेट 4K टीवी मॉडल्स को लॉन्च करेगी। प्राइस रेंज क्या रहेंगे इन 4K टीवीज के और कितने मॉडल किस डिस्प्ले साइजेस में आएंगे, दोस्तों इंतजार करेंगे 18 सितंबर को, देखते हैं क्या निकल के आता है। अगली खबर आ रही है Redmi से, नेपाल में कर दिए हैं नए सोनिक बास वायरलेस ईयरफोन लॉन्च। 1300 प्राइस रेंज में ये लॉन्च किए हैं जो कि IPX4 रेटिंग के साथ आ रहे हैं। 12 घंटे तक का प्लेबैक टाइम मिल सकता है सिंगल चार्ज पे। बाकी इन ईयरफोन्स को क्या Redmi इंडिया में लेके आती है, इंतजार करेंगे। और लास्ट खबर है बड़ी ही दिलचस्प, एप्पल ने दुनिया का पहला फ्लोटिंग स्टोर खोल दिया है दोस्तों सिंगापुर में, जो कि है सिंगापुर में एप्पल मरीना बे सैंड्स में, जहां पर की एक बॉल नुमा डिजाइन बनाई गई है इस स्ट्रक्चर की जो कि समंदर के पानी पे तैरती रहेगी। दोस्तों जबरदस्त डिजाइन देखने में लग रहा है, लेकिन उससे भी जबरदस्त तब होगा जब हमारे इंडिया में इस तरह का कोई एप्पल अपना स्टोर खोलता है, क्योंकि अपने कंट्री में अगर इस तरह की कोई चीज होगी तो ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन फिलहाल एप्पल ने नया तो कुछ करके दिखाया है हर बार की तरह। बाकी आपको कैसी लगी ये डिजाइन कंस्ट्रक्शन की, बताना आप कमेंट में मत भूलेगा। बाकी दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, और गिव अवे के बारे में बिल्कुल मत भूलिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिए, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।